नमस्कार, आप सभी का मथुरा चैप्टर के दूसरे एपिसोड में स्वागत है। पहले एपिसोड में हम नंदगांव गए थे। नंदगांव दर्शन के बाद अब हम बरसाना के लिए निकल रहे हैं। करीब 20 मिनट बाद हम बरसाना पहुंच चुके हैं और अब हम राधा रानी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप रास्ते में देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें आपको दिख रही हैं, तो आप अगर कभी भी बरसाना आएंगे तो आपको जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मंदिर की तरफ, बरसाना में हैं और अभी चलिए थोड़ा सा ऊंचाई पर मंदिर है, वहाँ चलते हैं, आपको पूरा वहाँ से व्यू दिखाते हैं। राधा जी बरसाना की रहने वाली थी। उनकी जन्मस्थली की कई सारी मान्यताएं हैं। पुराणों से यह कहते हुए होता है कि जब कंस के अत्याचार से नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया था, तब वे आकर एक छोटे से पर्वत पर बस गए थे जिसे नंदगांव कहा जाता है। अभी हम यहाँ पर आराम कर लें और चढ़ने में थोड़ा सा सांस हो गई और ये मंदिर है और बाकी यहाँ से देखिए, आप दिखाइए थोड़ा सा पूरा, आपको व्यू दिखता है, काफ़ी ऊंचाई पर ये भी है और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भीड़ कम है। कोविड की खातिर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये चलते हैं ऊपर, राधा जी के पिता बृष्टभानु नंद बाबा के घनिष्ठ मित्र थे, तो वो भी नंद बाबा के साथ अपने गांव रावल को छोड़ दिया जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित था। वो भी नंदगांव के पास आकर एक छोटे से पर्वत पर बस गए जिसे बरसाना कहा गया। बरसाना से आप नंदगांव को देख सकते हैं। श्री राधा रानी का मंदिर बरसाना के मध्य पर स्थित है। अभी हम यहाँ हैं जो बरसाना का मंदिर है, इसके पीछे बैठे हुए हैं और आप यहाँ से पूरा व्यू देखिए। पूरा इसमें चारों तरफ गेहूँ बो दिया गया है, देखिए पूरा कितना शानदार आपको रियली दिख रही होगी। और बाकी देखिए, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर मंदिर के गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। गेट खुलेगा, वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। वहाँ पर कुछ इलाके पहाड़ के हैं, वहाँ घूमेंगे। बरसाना की लठमार और लड्डूमार होली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु फॉरेन से भी आते हैं। अभी देखिए, बेसिकली हम यहाँ पर मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है वहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि यहाँ से पूरा आप शानदार व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है। और अभी थोड़ा शाम को भीड़ बढ़ गई है क्योंकि मंदिर खुल गया है। बरसाना में दो पर्वत विद्यमान हैं, एक ब्रह्मा पर्वत और एक विष्णु पर्वत। ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं की देखने की बहुत लालसा थी, इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की और बरसाना में
ब्रह्मा पर्वत के रूप में प्रकट हुए। मेन मंदिर था, हम उसके पीछे अभी आ गए हैं। देखिए ये पूरा, अभी तो देखिए पूरा पेड़ सूख गए हैं। देखिए बहुत सारा ऐसा, मतलब थोड़ा सा जंगल टाइप का इलाका है। बाकी देखिए सारे, बहुत सारे बंदर आपको दिख रहे होंगे, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और बाकी हम चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर। और इस साइड में काफ़ी पहाड़ है, काफ़ी ग्रीनरी इलाका है, तो हम लोग वहाँ भी चल रहे हैं और वहाँ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। देखिए ये जो इतना इलाका है, हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ घूमने आते हैं। हम लोग जब आते हैं बरसाना, हम लोग यहाँ पक्का आते हैं, क्योंकि हम लोग को ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये काफ़ी, देखिए आपको बिल्कुल भी कोई नॉइज नहीं सुनाई दे रहा होगा, इतना शांति इलाका है। तो आप जब भी आइएगा तो मंदिर के पीछे जो इलाके हैं, और आगे एक मान मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। हम भी वहाँ पर अभी जा रहे हैं, आप वहाँ का भी पूरा सीन दिखाएंगे और मंदिर में जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए कितना बढ़िया इलाका है, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी आप आइए और ये देखिए पूरा वो दिख रहा होगा, पूरा सब पूरा काफ़ी ढलान पर है और ये ऊंचाई पर है। आगे चलते हैं, आपको और कुछ दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं बढ़िया, ये आप देख सकते हैं। चलिए देखिए अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, और देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के पत्थर ऐसे, देखिए पूरा यहाँ से आप दिखाइए, यहाँ से पूरा वहाँ तक आपको पत्थर दिख रहे होंगे। ये काफ़ी पत्थर अलग टाइप के हैं, और यहाँ पर मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ऐसे पत्थरों के घर बना के जाते हैं। अब इसके पीछे इसका रीजन क्या है हमें नहीं पता। और बाकी अगर आप बरसाना आते हैं तो ये इतनी प्यारी जगह है, इसके आप ये पूरा एरिया आप पक्का घूमिएगा, आइएगा। और बाकी बहुत अच्छी हवा चल रही है, और पूरा इस साइड में पूरा खेती हुई है गेहूं की, सरसों की, पूरा उसकी खुशबू आ रही है। और बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी आगे चलते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं। जब राधा जी श्री कृष्ण भगवान से रूठ गई थी, तब वे जाकर मोर कुटी में एक मोर से लाड करने लगी थी। और जब वहां पर श्री कृष्ण भगवान पहुंचे, तब शर्त के अनुसार उन्हें एक मोर के साथ नृत्य प्रतियोगिता करनी थी, और जिसमें वे हार गए। तो अभी हमने पूरा काफ़ी अच्छे से घूमा और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी तो हमें मज़ा आया। हमने काफ़ी यहाँ पे बरसाना भी घूमा, और इसमें बरसाने में ही हैं हम लोग। हाँ। और आज नंदगांव भी गए, काफ़ी हम लोग मज़ा किया। हमारे साथ 5-6 मित्र लोग भी हैं, और हमने 5-6 घंटे में काफ़ी कुछ कवर किया, और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। और फिलहाल अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। इस समय हम लोग मयूर कुटी के नीचे पहाड़ी के रास्ते जा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी वैसे बंदर हैं, लेकिन ये बंदर काफ़ी समझदार हैं। ये कोई भी नुकसान हानि हम लोग को नहीं दे रहे हैं, जैसे हमारा चश्मा और मोबाइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बट कर सकते हैं, आप सेफ रहिए।
जी आप जब भी आइए यहाँ पे सेफ रहिए। हम यहाँ पर जब पहली बार आए थे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस सामने मोरकुटी, तो हम लोगों ने इस मोरकुटी से सीधे नीचे हम लोग देखिए पूरा जंगल का इलाका पूरा ढलान है, हम लोग ऐसे ऐसे गए थे, काफ़ी कांटे हैं रास्तों में और हम लोग ऐसे गए, फिर हम लोग नीचे गए, हम लोग ऊपर देखिए आपको यहाँ आइए थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, वो है आपका क्या मान मंदिर, हम लोग वहाँ गए थे और आज हम वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी शाम होने वाली है और हमें टाइम पर अपने घर पहुँचना है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पहुँचना है, और बाकी अभी चलते हैं घर और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बाकी अब चलते हैं हम घर, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।